है दोस्तों, ठीक है। प्राइस चले आप उनकी बिल्कुल चल रही होगी, आइयो आप पढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने देखा था सूर्य तप के बारे में, जो सूर्य हैं उनके तापमान के संदर्भ में हमने देखा था कि क्या हमको कितना तापमान हमको मिलता है, मतलब मीन्स पृथ्वी को मिलता है, और कैसे सूर्य तप का कौन सा परसेंटेज किस रूप में कार्य करता है ये हमने देखा था, और ग्लोब में कौन सा हिस्सा सूर्य तप कितना प्राप्त कर पाता है, जलीय क्षेत्र क्या प्राप्त कर पाता है, और स्थल क्षेत्र में क्या है, सूर्य तप की क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में देखा था। अब उसी के आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे अपने पृथ्वी के जो हमारा धरातल है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये उष्मा कैसे क्या प्राप्त करता है। इसी से रिलेटेड टॉपिक का जो नाम हमारे है वो है पृथ्वी का उष्मा बजट, ठीक है। तो आज हम लोग पृथ्वी के उष्मा बजट के बारे में देखेंगे। उष्मा बजट होता क्या है, इसका क्या रोल है पृथ्वी में, ये तमाम सारे बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किन किरणों के द्वारा पृथ्वी हमारी गर्म होती है, कितना परसेंटेज अवशोषित होता है, उष्मा कितना वायुमंडल में रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये तमाम सारे बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो पहली चीज तो उष्मा बजट जब पढ़ने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको थोड़ा जान लें। पहली चीज तो जो हमारी पृथ्वी है ना तो ये उष्मा का अवशोषण करती है और न ही इसका ह्रास करती है, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है यानी हमारा पृथ्वी का जो धरातल है यह तो ना तो उष्मा को अवशोषित करता है और ना ही अपनी उष्मा को रिफ्लेक्ट करता है। समझ रहे होंगे आप लोग, यानी कि सूर्य तक जो हमारा आता है वो पृथ्वी उसको अवशोषित नहीं करती है, ठीक है, और ना ही जो पृथ्वी का औसत तापमान है उसमें से उसको वो बाहर निकालती है, यानी कि पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो हमेशा मॉडरेट रहता है, बना रहता है, जो तापमान है वो स्थिर बना रहता है, ठीक है, ये चीज है। तो इसको कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब पृथ्वी सूर्य उष्मा देता है ना, सूर्य की उष्मा धरातल पे आती है और मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अवशोषित नहीं करती है और ना ही अपना ह्रास करती है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, सूर्य तो डेली गर्म करते हैं धरातल को, रोज गर्म करते हैं वो, तो जब वो गर्म करते हैं और मैंने कहा कि वो अवशोषित नहीं करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आता है और चला जाता होगा, तभी तो हो पाएगा कि अवशोषण नहीं होता है। हाँ, तो सेम ऐसी कंडीशन बनती है कि सूर्य की किरणें आती तो हैं लेकिन पृथ्वी के धरातल में अपनी क्रियाएं करके फिर वापस चली जाती हैं, वो पृथ्वी रिफ्लेक्ट कर देती है। आज इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे, यही पृथ्वी का उष्मा बजट होता है। जैसे हमारे पास आप देखते हैं गवर्नमेंट जो है बजट जारी करती है प्रत्येक वर्ष का, है ना, परिवारों में भी सबके घरों में बजट होते हैं, हर महीने का फादर मदर जब अर्न करके आते हैं महीने के पैसे सैलरी लेकर के, तो उसका बजट होता है ना, कहाँ पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा। सरकारें भी ऐसे बनाती हैं अपने नियम कानून की, जो पैसे हैं वो वर्ष भर में जो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास धन आता है उसको सरकार संग्रह करती है और फिर पूरे वर्ष भर में किस मद में कौन सी धनराशि खर्च होगी उसका निर्धारण होता है, यानी कि जितना सरकार अर्न करती है उतना ही सरकार क्या कर देती है, अपने पैसे को खर्च कर देती है वर्ष भर में। सेम सूर्य की भी कंडीशन यही होती है, प्रत्येक दिन वो क्या करता है, सूर्य की उष्मा तो लेता है लेकिन फिर उष्मा सूर्य को दे देता है। यही कारण है कि ना तो पृथ्वी उष्मा को अवशोषित करती है और ना ही उसको अपने उष्मा को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, ठीक है। तो उसी संदर्भ में देखेंगे, तो देखिए होता क्या है कि सूर्य का जो 100% उष्मा है वो धरातल को आती है, रिफ्लेक्ट करती है, सूर्य वहां से 100% अपनी उष्मा धरातल को भेजता है। तो धरातल पे जब सबसे पहले उष्मा आएगी तो क्या मिलेगा, पहले सूर्य की किरणें, और एक चीज अभी जान लीजिए कि सूर्य की जो किरणें हैं वो जो चलती हैं वो लघु तरंगों के माध्यम से संचार होता है, लघु तरंगों के माध्यम से चलती है, और जब वो किसी धरातल से या पृथ्वी के धरातल से जब टकरा जाती हैं और पुनः जो रिवर्स होती है वो दीर्घ तरंगों के रूप में हो जाती है, और दीर्घ तरंगों को ही पार्थिव तरंगें कहते हैं, पार्थिव किरणें कहते हैं, ठीक है। और ये भी आप जान लीजिए कि जो लघु तरंगे हैं उनकी जो मोटाई होती है, ठीक है, वो बहुत कम होती है अपेक्षाकृत दीर्घ तरंगों के लिए। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि वायुमंडल जो हमारा है वह लघु तरंगों के लिए तो पारदर्शी है,
लेकिन दिव्य तर्कों के लिए पारदर्शी नहीं है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। यही कारण है कि सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल से समुद्र के धरातल तक पहुंच तो जाती हैं, लेकिन फिर वायुमंडल से यहाँ से मिलने के बाद में पुनः रिवर्स होने में उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब नहीं जा पाती है। ठीक है, और आजकल आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के अक्सर होता है कि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो उसमें आप लोगों को मैंने वायुमंडल वाले जो चैप्टर्स हैं या पर्यावरण वाले टॉपिक को उसमें हमने बताया है आप लोगों को कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एक अपनी लेयर बना लेती है हमारे वायुमंडल के ऊपरी। जैसे हमने क्षोभ मंडल पढ़ा, समताप मंडल पढ़ा, ओजोन मंडल पढ़ा, तो ओजोन मंडल में हम लोगों ने क्या देखा था, एक लेयर बन जाती है ना ओजोन की, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि अपनी ऊष्मा को, जो दीर्घ तिरंगे तरंगे होती हैं, मतलब जो प्रकाश की, जो मैंने बताया कि विलोम तरंगों के माध्यम से आता है, जो पृथ्वी से टकराता है तो पार्थिव किरणें कहलाता है, वो दीर्घ तरंग हो जाता है, तो उसको वायुमंडल में वापस नहीं जाने देती। यही प्रॉब्लम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक अपनी लेयर बना लेता है और उस लेयर के माध्यम से ऊष्मा हमारे वायुमंडल की ऊष्मा बढ़ने लगती है, और वायुमंडल की जब ऊष्मा बढ़ेगी तो क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ये भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है, आज इसमें भी थोड़ा सा टॉपिक था तो मैंने बता दिया आपको। पर हम देखते हैं हम लोग कि 100% जो ऊष्मा सूर्य की किरणें जो आती है लघु तरंगों के माध्यम से आती है, और किरणों को जो नापा जाता है वो माइक्रोन में नापा जाता है। जब जो तरंगें आती हैं उनकी जो मोटाई होती है 0.4 माइक्रोन से लेकर के 0.7 माइक्रोन तक होती है। यहाँ मैंने इसको लिखा है ना, ये जो होती है सूर्य की सौरिक लघु तरंगों की तरंगदैर्ध्य जो होती है वो 0.4 माइक्रोन से 0.7 माइक्रोन के मध्य में होती है। ठीक है, और देन इसके बाद में जब ये पृथ्वी से टकरा जाती है और फिर जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये दीर्घ तरंगों के रूप में, यानी पार्थिव तरंगों के रूप में बदल जाती है। तो पार्थिव तरंगों की जो मोटाई हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है, वो हो जाती है 10 माइक्रोन से लेकर के 15 माइक्रोन के मध्य में। ठीक है, तो चलिए इतनी बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में आ रहा है सूर्य का 100%, तो उसका क्या कैसे हो रहा है। चलिए थोड़ा सा इसमें और भी बातें बता दें आपको। देखिए सूर्य का जो लगभग 100% हिस्से में से 49% हिस्सा जो है वो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से ही एक तरह से कहिए चला जाता है। लगभग पृथ्वी का जो हमारा धरातल है वो टोटल 51% हिस्से, 51% हिस्से ही सूर्य तप का ग्रहण कर पाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया 49% हिस्से कहीं ना कहीं वापस चले जाते हैं, और उन 49 में से 35% हिस्से डायरेक्टली वायुमंडल के रिफ्लेक्शन से वापस चले जाते हैं। क्या बताया मैंने, 35% हिस्से डायरेक्टली वायुमंडल के रिफ्लेक्शन से वापस चले जाते हैं। शेष आपके 14% हिस्से जो हमारे जलवाष्प वगैरह होते हैं, बादल होते हैं, धूल कण होते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं, यानी वो धरातल पे आ नहीं पाता है, वो ऊपरी हिस्से में ही, वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ही रह जाता है। तो लगभग करीब 48%, इसी को हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के तौर पे। जो बच्चे हमारे नए हैं वो लोग बेटा बहुत बारीकी से इसको ध्यान से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझ में आ जाएगा और फिर आप कभी भी इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि लगभग करीब 48% हिस्सा वायुमंडल के या तो रिफ्लेक्शन में वापस चला जाता है रिफ्लेक्ट होकर के, यानी 35% हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है, और बाकी शेष जो 14% हिस्से है वो हमारे जलवाष्प, धूल कण और गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शेष बचता है 51% हिस्सा, यही हमारे वायुमंडल के हिस्से में आता है। ये मैंने इस पे यहाँ पे आपको मेंशन किया है, जैसे कि आप लोग उसको देखें और आपको समझ में आए। देखिए बेटा क्या होता है, प्रकीर्णन तथा परावर्तन के द्वारा 600 विकिरण, यानी कि जो सूर्य किरणें हैं ये इनका जो प्रकीर्णन और परावर्तन जो होता है इनके माध्यम से 35% हिस्सा वायुमंडल में सीधे चला जाता है। अब ये 35% हिस्से वायुमंडल में सीधे चले जाते हैं तो कैसे चले जाते हैं, एक तो जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है बेटा, इस वायुमंडल में जैसे ही सौर किरणें प्रवेश करने जाती हैं तो हमारा वायुमंडल ही 6% हिस्से को, सूर्य के किरणों के 6% हिस्से को तुरंत रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या समझते हैं, 6% हिस्से को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ मैंने देखिए मेंशन किया है 6% से वायुमंडल से परावर्तित हो जाता है, वायुमंडल में जैसे प्रवेश करेगा वहाँ 6% रिफ्लेक्ट हो जाता है। बाकी जो हमारे वायुमंडल में जब और किरणें प्रवेश कर और अंदर आता है तो जो हमारे बादल होते हैं, बादल क्लाउड्स, इन बादलों में जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तुरंत ये बादल रिफ्लेक्ट कर देते हैं उन किरणों को, और बादलों के रिफ्लेक्शन से 27% किरणें सीधे वापस चली जाती हैं अंतरिक्ष में, जहां से आ रही होती है उसी की तरफ वो मुड़ जाती हैं।
क्या बताया मैंने, बादलों के रिफ्लेक्शन से 27%, बाकी 2% हिस्से हमारे धरातल पे आते हैं, धरातल पे जैसे पड़ते हैं डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी पृथ्वी के धरातल से, ठीक है, यहाँ पे देखिए पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के धरातल से 2% हिस्सा और बादलों के परावर्तन से 27% हिस्सा, यानी कि मिला के ये 35% आपके हिस्से हो गए। ये 35% हिस्से हमारे धरातल तक आ ही नहीं पाते, वायुमंडल के ऊपरी परतों से ही ये रिफ्लेक्ट होकर के गायब हो जाते हैं, ठीक है। बाकी शेष जो हमारे पास बचता है, अब बचा कितना शेष, 65%, 35% निकल गया 100% में से, ठीक है। अब 65% जो हिस्सा बचा है इसमें से 40% यानी 14% हिस्सा जलवाष्प जो वायुमंडल में हमारे विद्यमान होता है, धूल कण विद्यमान होते हैं हमारे, गैसें विद्यमान होती हैं वहां पे, बादल हमारे यहाँ विद्यमान होते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। सूर्य तप का 14% हिस्सा जलवाष्प है, धूल कण है, बादल है और नाना प्रकार की जो गैसें हैं, वो 14% सूर्य की ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, ठीक है, 40%। तो यानी कि ये जो आपके धूल कण कहाँ होंगे, ऊपर होंगे ना, ऊपरी सतह पे होंगे ना वायुमंडल के, उसके बाद जलवाष्प ऊपरी सतह में ही होगा यानी छोमंडल के ऊपरी हिस्से में ही होगा, है ना। तो यहाँ पर ही वायुमंडल के निचले हिस्से में नहीं आ पाया ये 14%। तो इस तरह से अगर हम देखें तो धरातल तक नहीं पहुंच पाने वाले जो कीड़े रह गए वो 35% ये रह गए और 14% ये वाली हो गई। तो 14 और 35% ऐड करने पे 49% हिस्सा हमारे धरातल तक आ ही नहीं पाया, ओके। अब आया हमारे धरातल तक कितना, अब बचा कितना, 49% निकाल देंगे तो 51% बचा। तो 51% हिस्से में तो हमने इसको मेंशन किया यहाँ पे, इस प्रकार केवल 51% सौर ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है, ठीक है। अब 51% जो सौर ऊर्जा है ये पृथ्वी को बेटा प्राप्त होगी, और पृथ्वी ना तो लेती है ना तो देती है, मैंने आपको बताया है ना, ना तो उष्मा का अवशोषण करती है ये, ना ही उसको रिफ्लेक्ट करती है, मतलब अपनी उष्मा को रिफ्लेक्ट नहीं करती है जो उसकी मूल उष्मा है, बाकी जो आती है उसको वापस भेज देती है, ठीक है। तो अब ये हो गया क्या, 51% यही जो उष्मा है यही पृथ्वी की वास्तविक उष्मा बजट, पृथ्वी का वास्तविक उष्मा बजट यही कहलाता है, ये 51% जो सौर ऊर्जा का है यही वास्तविक उष्मा बजट आपका कहलाएगा, ठीक है। अब इस 51% का क्या होगा, किस रूप में मिल रहा है वो हम लोग देखते हैं। 34% भाग डायरेक्टली सूर्य की किरणों से गर्म होता है, कितना, सूर्य की जो 100% जो किरणें चली थी वो 34% किरणें सीधे हमारे धरातल को गर्म करती हैं, और शेष 17% जो हिस्से पड़ते हैं वो विसरित उष्मा से, दिवा प्रकाश से नहीं, विसरित दिवा प्रकाश से या उष्मा से गर्म होता है हमारा मेहमान, ठीक है। विसरित दिवा प्रकाश यानी कि जो सूर्य की रिफ्लेक्शन की जो लाइट होती है, ठीक है, जो उसका प्रकाश होता है दिवा प्रकाश, तो 17% ये और 34% प्रत्येक सूर्य के द्वारा, इसको दोनों को ऐड करेंगे आप 34% और 17% को, तो 51% ये वास्तविक उष्मा बजट हो गया किसका, जो हमारे पृथ्वी को मिला। और क्या करेगा हमारा पृथ्वी, इसको वापस करेगा तभी तो बैलेंस बन पाएगा। अब देखिए वापस कैसे करता है, अब देखिए, अब जब वापस होगा यानी कि अब बेटा होगा पार्थिव किरणें होंगी, अभी तक ये जो आने वाली किरणें थी वो कौन सी किरणें थी बेटा, लघु तरंग थी, लघु तरंगे, ये क्या हो रही थी, लघु तरंगे जो सूर्य से क्या हो रही थी, डायरेक्ट आ रही थी। अब ये जो दीर्घ तरंगे हैं ये लघु तरंगे हैं, अब ये जब रिफ्लेक्शन होगा इसका तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, दीर्घ तरंगों में हो जाएंगे ना, ठीक है। तो दीर्घ तरंगों में रिफ्लेक्शन होगा इसका, तो दीर्घ तरंगों में से आप देखेंगे 23% हिस्सा दीर्घ तरंगों के रूप में डायरेक्टली सरफेस पे आया, गर्म किया जितना अवशोषित होना था हुआ, उसके बाद 23% हिस्सा इस, देखिए यहां पर 51% हिस्से में से 34% मैंने कहा था प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली सूर्य की किरणों से गर्म होता है, 17% विसरित दिव्या प्रकाश से गर्म होता है, ठीक है, उसमें प्राप्त होती है। तो इसमें से जो 51% हो जाता है टोटल, अब 51% में से रिफ्लेक्शन देखिए दीर्घ तरंगों के रूप में सीधे 23% डायरेक्टली वापस हो जाता है, जैसे धरातल पे आएगा और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा वो वापस जाएगा, किस रूप में जाएगा, दीर्घ तरंगों के रूप में जाएगा। तो उसमें से ये 23% है, इसमें से जो 17% 17% जो हिस्सा है वह सीधे सूर्य में वापस चला जाता है, यही देखिए बारीकी यही पे है, सीधे वापस चला जाता है दीर्घ तरंगों के रूप में जाता है। और दीर्घ तरंगों को रोकने के लिए हमारा जो है जो वायुमंडल का जो हिस्सा है यानी कि ओजोन मंडल और खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो मंडल हमारा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट,
समझ रहे हैं ना, कार्बन की जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर बन जाती है यही वायुमंडल में वापस नहीं जाने देती है। इसी कारण से क्या होता है, हमारे पृथ्वी का औसत तापमान में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। इसी कारण से बड़े बड़े ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। ठीक, तो ये चीज हो जाती है, तो सीधे सूर्य में 17% चला जाता है और बाकी 6% हिस्सा इसमें से वो क्या हो जाता है, वायुमंडल को गर्म करने में खर्च हो जाता है। तो 17% ये सीधे शून्य में चला गया और 6% जो वायुमंडल को गर्म करने में खर्च हुआ, यानी कि दीर्घ तरंगों के रूप में जो वापस जाने वाली किरणें की टोटल मिलाकर के 23% होगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो हमारे धरातल पर पहुंचती हैं, तो क्या करती हैं, पहले जो धरातल का बेसिक कण होगा उसको हीट करेगी, गर्म करेगी, और उसके बाद में एक कण अपने पास के कणों को चालन विधि के द्वारा गर्म करता चला जाएगा। चालन विधि के माध्यम से एक कण दूसरे कण को अपने पास के कणों को गर्म करने लगते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उसे चालन कहते हैं। और उसके माध्यम से क्या होगा, जब गर्मी नीचे की बढ़ेगी, मान लो आपका चालन विधि के द्वारा 1 मीटर तक का धरातल से 1 मीटर तक का या 2 मीटर तक का हिस्सा जो है वो हीट हो गया, गर्म हो गया, तो जब गर्म होगा तो गर्म होने से क्या होगी, नीचे की जो 2 मीटर की गैसें हैं वो क्या होंगी, ऊपर उठ जाएंगी, और जो ऊपर उठेंगी तो वही ऊपर उठ करके फिर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जाएंगी, तो वही जो ऊपर उठने की जो क्रिया हो जाएगी वही हो जाएगी संवहन, वही संवहन हो जाएगी। और जब वायुमंडल में गैसें जाएंगी किसी जगह पे ज्यादा मात्रा में कलेक्ट होंगी, तो जब कहीं पे एक्सेस हो जाएंगी, तो वो एक्सेस होने के बाद में जहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा वहां पर गमन करेंगी, तो वही अभिवहन कहलाता है। तो नीचे जब गर्म होता है चालन है, ऊपर उठना संवहन है, और जब ऊपर उठने के बाद में एक जगह से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाना अभिवहन है। ठीक है, तो संवहन वाला या ऊष्मा विक्षोभ के द्वारा लगभग 9% ऊष्मा हमारी खर्च होती है। ठीक है, और शेष 19% जल वाष्प वाष्पीकरण में चला जाता है। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि समुद्री जल है, या हम देखते हैं कि कहीं पे कोई पानी है, पानी का क्या होता है, या हमारे जो कपड़े क्लॉथ्स हैं जो बाहर धूप में सुखाने के लिए भेज रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो ऊष्मा होती है आप देखते हैं वो सूख जाता है, उसका पानी खत्म हो जाता है, या कहीं पे गड्ढे में आप पानी देखते हैं जब हीट पड़ता है तो पानी उसका वाष्पित हो जाता है, और देखते हैं पानी खत्म हो गया है, तो इसका मतलब है क्या, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो वाष्पीकरण जो होने में ऊष्मा की जो मात्रा सूर्य की खर्च होती है वो लगभग 19% हिस्सा। तो इस प्रकार से इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो आपका 23% 9% और 19% मिला के फिर टोटल 51% हिस्सा हो जाएगा, यानी कि यह गया हुआ हिस्सा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से उष्मा बजट का कुल टोटल हिस्सा हमारा बना 51% हिस्सा आपको मिला पृथ्वी को लघु तरंगों के माध्यम से, और दीर्घ तरंगों के माध्यम से इसने वापस कर दिया। 23% को 17% का, उसमें 19% को वाष्पीकरण हुआ, 9% का संवहन के द्वारा या विक्षोभ उष्मा विक्षोभ के द्वारा। ये टोटल आपका था क्या, उष्मा बजट, पृथ्वी का उष्मा बजट। आई होप आप लोग समझे होंगे इस चीज को। इसके आगे के क्रम में बेटा बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप देना होगा। मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो थोड़े छोटे छोटे बने और आप उसको पढ़ें और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। पढ़ते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, तो आपको हर वो टॉपिक जो आयोग में पूछता है, ठीक है, जैसे आपको टिप्पणी आ जाएगा मेंस में लिखने के लिए, पृथ्वी के उष्मा बजट पर टिप्पणी लिखिए, आपको लिखना होगा टिप्पणी, और वो एक तथ्य है। ये सारे संग्रह आपको मिलेंगे, ये मेंस के दृष्टिकोण से भी है, आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे तथ्यों को आप लोग बारीकी से पढ़ते जाइए। हम लोग आप लोगों को बहुत बहुत सारे वीडियोस देने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियोस भी आएंगे, कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी आएंगे, तो अभी तो हम लोग इसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि सारे बच्चे आप लोग अच्छे से आप लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती जाए, और आप उसमें इंटरेस्ट में डेवलप करिए पढ़ाई में। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपका जो रोचकता आपको आने लगेगी, जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो वो चीज़ें आपको बहुत बेहतर लगने लगेंगी। और आप लोग इसको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा उसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने दोस्तों को भी बताइए, इससे उनका भी भला हो सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आर्थिक पृष्ठभूमि से उनकी अच्छी नहीं है और लॉकडाउन का पीरियड भी चल रहा है, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनको एक अच्छी व्यवस्था दी जाए। हम लोग इसी कारण से एक सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों का सहयोग और मिलता रहा अच्छी तरीके से, तो हम लोग इसको कंटिन्यू हमेशा करते रहेंगे, और हर सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। कुछ भी
छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ाया जाएगा, सारे तथ्यों को सिस्टमेटिक वे, जैसे आप टॉपिक जो देख रहे हैं वो ज्योग्राफी में एक सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, सारे तथ्य स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए जा रहे हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है, और पूरे टॉपिक जो भी पढ़ाए जाएंगे लगभग उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, पढ़ाई करिए अच्छे से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।